गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू पार्ट्स एप्लीकेशन स्कूल। आज हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। अपन ने फोर्थ क्वेश्चन तक पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था, आज अपन फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो फिफ्थ का एक क्वेश्चन है अपने पास, साइन इनवर्स 1 + x² upon 1 - x² + cos inverse 1 + x² upon 1 - x² अब देखो अपने को सेकंड चैप्टर में अपन ने पढ़ा है कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल्स टू होता है पाई बाय टू तो इसी चीज का अपन यहां पे यूज करेंगे दोनों में सेम है x तो अपने पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल्स टू पाई बाय टू डिफरेंशियल with respect to x d y by dx constant है y by 2 तो इसका डिफरेंशियल हो गया 0 फिफ्थ का b फिफ्थ का b है cos inverse 2x plus 2 cos inverse 1 - 4x square। तो y is equals to cos inverse 2x plus 2 cos inverse root 1 minus 4x square plus 2x का whole square। अब अपन 2x को एग्जीक्यूट करते हैं cos x, तो x और cos theta, तो theta equals to cos inverse 2x, ये वैल्यू पुट करते हैं तो y is equals to cos inverse cos theta plus 2 cos inverse root of 1 minus cos square theta, y is equals to cos cos inverse cancel theta plus 2 cos inverse 1 minus cos square theta sin square theta, तो यहाँ पे आ जाएगा sin theta, y is equals to theta plus 2 इसको लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स साइन थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस पाई माइनस साइन का साइन इनवर्स कैंसिल 2 थीटा, तो यहां पे आ गया पाई माइनस थीटा। अब वैल्यू पुट करते हैं थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास, cos इनवर्स 2x तो y इज इक्वल्स टू पाई माइनस cos inverse 2x, y equals to minus को अंदर भेज देते हैं क्योंकि उसमें क्या पड़ा हुआ है pi minus cos inverse x equals to cos inverse minus x, तो ये हो जाएगा cos inverse minus 2 differential with respect to x। चेन रूल अप्लाई करेंगे, सबसे पहले कौन आया लेफ्ट में cos आया, cos inverse का cos inverse का क्या होता है minus 1 upon root of 1 minus x square, फिर minus 2x का करेंगे तो minus 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 plus 2 upon root of 1 minus 4x square। 6th का a है अपने पास tan inverse 1 - ax, तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास tan इनवर्स a plus tan इनवर्स x, इसका फॉर्मूला हो गया अपने पास। अब अपन डिफरेंशियल करते हैं, तो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x dy by dx, तो tan इनवर्स a का डिफरेंशियल 0 क्योंकि कांस्टेंट है, अपन x रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो a क्या माना जाएगा कांस्टेंट प्लस tan इनवर्स का क्या हो जाएगा 1 upon 1 plus x square, तो dy by dx is equals to 1 upon 1 plus x square। 6th का b tan इनवर्स 2 की पावर x plus 1 upon 1 minus 4 की पावर x, तो इसको लिखते हैं y equals to tan इनवर्स, पावर्स ब्रेक करते हैं तो वो जाएगी 2 into 2 की पावर x upon 1 minus 2 का स्क्वायर पावर x,
पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई, तो यहां पर आ जाएगा अपने पास y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 * 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर 2x, tan इनवर्स 2 * 2 की पावर x अपॉन 1 माइनस 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी पावर मल्टीप्लाई हो गया 2 की पावर 2x बनेगी। अब अपन क्या करते हैं 2 की पावर x का एडिशन करते हैं यहां पे tan, तो थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 की पावर x, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। टू tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है tan 2 थीटा, तो अपने पास यहां पे आ जाएगा tan 2 थीटा, tan से tan इनवर्स कैंसिल, 2 थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है अपने पास tan इनवर्स 2 की पावर x डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy / dx। सबसे पहले tan इनवर्स आया, tan इनवर्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा अपने पास 1 / 1 प्लस x की जगह पे 2x का होल स्क्वायर, फिर 2x का डिफरेंशियल 2 की पावर x log 2, तो यहां पे हो गया dy / dx 2 into 2 की पावर x अपॉन 1 प्लस 2 की पावर 2x, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 2 पावर आ जाएगी 2 की पावर 2 की पावर x, तो ये हो गया 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर x, ये हो गया अपना dy / dx। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का a sin 2 tan इनवर्स sin 2 tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस, ये चीज है अपने पास। चलो तो अपन ने बाहर प्रैक्टिकल लास्ट के अंदर ये अगर रूट के अंदर 1 प्लस x या 1 माइनस x आता है तो x इक्वल्स टू क्या आता जाता है cos थीटा, तो अपन x क्या मानेंगे x इक्वल्स टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स x, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा sin 2 tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, दोनों में हाफ एंगल फार्मूला लगाएंगे तो 2 tan इनवर्स 1 minus 1 plus 2 sine square theta by 2 upon 1 plus 2 cos square theta by 2 minus 1 से 1 cancel, 1 से 1 cancel, 2 से 2 cancel, so y is equals to sine 2 tan inverse sine upon cos tan square square से 2 cancel, so you get tan theta by 2 sine tan से tan इनवर्स कैंसिल तो 2 * थीटा / 2, 2 से 2 कैंसिल, y = sin थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, तो ये हो जाएगा sin cos इनवर्स x, तो डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dy / dx, sin का सबसे पहले कौन है sin, तो यहां पर आ जाएगा cos, cos इनवर्स x, तो cos इनवर्स x का minus 1 upon root of 1 minus x, cos से cos inverse cancel तो minus x upon root of 1 minus x square, इस तरीके से अपने पास इसका ये differential finish होता है। बाकी के question अपन next class के अंदर discuss करें। Okay students, thank you.